असुर, एक ब्रह्म राक्षस, भाग दो। असुर के पहले भाग में आपने विक्रम को एक पुरानी हवेली में देखा, जहां पर गूंजने वाली भयानक चीख सुन उसके होश ठंडे पड़ गए। फिर अगले ही पल वो जहन्नुम की आग में ऐसे जलने लगा मानो उसे यमराज के दर्शन हो गए। पर भगवान की दया से बस वो एक बुरा सपना था। विक्रम होश, लेकिन उसकी आंख खुलने के बाद जो सच्चाई उसे सुमित्रा से पता चली, उसने वापस से उसे उसी वीराने में धकेल दिया जहां ब्रह्म राक्षस उसकी जान लेने के लिए तैयार बैठा था। अब देखिए आगे। अंधेरे कमरे में कैद विक्रम अपने दोनों कानों को हाथ से दबाए चिल्ला रहा था, क्योंकि इस वक्त वो ऐसी जगह पर फंस गया है जिसके भयानक सपने उसकी नींद उड़ा दिया करते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि विक्रम इस जगह से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि जिस सामोली गांव की फिजाओं में आज उसे डर का आतंक दिख रहा है, कभी वहां उसका खुशहाल बचपन गुजरा था। आज से कई दशक पहले सामोली गांव में खुशियां ही खुशियां बसती थी। चारों तरफ हरियाली और ऊंची ऊंची मदमस्त पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों के बीच ठाकुर की हवेली, जहां विक्रम का बचपन किसी शहजादे की तरह गुजरा। लेकिन फिर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। पूरे 10 साल के बाद जब वो गांव वापस लौटा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके गांव का स्टेशन आने में अभी बहुत समय बाकी था, फिर भी वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था और खुली आंखों से वादियों को निहार रहा था। तभी विक्रम को दूसरी बोगी के दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी, जिसकी खूबसूरती को देखकर वो ऐसे खोया कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही है। वो लड़की चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश कर रही थी, फिर भी विक्रम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो मानो उस लड़की की खूबसूरती देखकर जम सा गया था, और उसके चले जाने के बाद भी दरवाजे से निकलकर उसे झांक कर देखता रहा। तभी अचानक से उसे किसी ने अंदर खींच लिया, और विक्रम के अंदर आते ही दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन धड़धड़ाते हुए निकल गई। तुम पागल हो क्या? ऐसे दरवाजे से कौन लटकता है? विक्रम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो अभी भी उस लड़की की खूबसूरती के सागर में गोते खा रहा था कि तभी ट्रेन का अचानक ब्रेक लगा और विक्रम उस लड़की के ऊपर आ गिरा। ट्रेन के ब्रेक लगने के जर्क ने उन्हें आपस में ऐसे मिला दिया जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का आलिंगन कर रहा हो। विक्रम से टकराते ही उस लड़की की आंखें भी ऐसे बंद हो गई जैसे उसे कब से इस लम्हे का इंतजार था। लेकिन अगले ही पल जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो लड़की ने असहज हो विक्रम को खुद से दूर कर दिया, और धीमी होती ट्रेन के साथ स्टेशन पर उतर गई और सीधे सामने वाली दुकान पर जाकर कुछ खरीदने लगी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे वो विक्रम से छुपा रही थी, और विक्रम भी अब दरवाजे पर खड़ा उसे कुछ छुट्टों के लिए दुकानदार से लड़ते हुए देख रहा था। वो अपने छुट्टे पैसे लेने में इतना व्यस्त हो गई कि ट्रेन कब चल पड़ी उसे पता ही नहीं चला। पीछे मुड़ी तो विक्रम खड़ा था। अरे ट्रेन कहाँ गई? चली गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर? पहले ये बताओ कि तुम ट्रेन से क्यों उतरे? क्योंकि ट्रेन में तुम जो नहीं थी। पूरे पागल हो तुम? नहीं, परब हो गया हूँ। मेरा घर सामोली गांव में है। मेरा भी। सुनसान स्टेशन पर दोनों की नोक झोंक दोस्ती में बदलने और एक ही गांव के होने की वजह से रेवती और विक्रम में खूब बातें होने लगी। लेकिन उन्हें घर पहुंचना था, इसलिए गाड़ी का पता करने लगे जो अब अगली सुबह ही आने वाली थी, और उसमें भी कई घंटों की देरी थी। स्टेशन पर बैठे बैठे रात हो गई। ये दुकान बंद करके क्यों जा रहा है? क्योंकि रात को इस स्टेशन पे कोई नहीं रुकता है। अचानक से इस आवाज को सुन दोनों के होश उड़ गए। आखिर ये भयानक आवाज है किसकी? पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन मास्टर था, हाथ में लाल हरा झंडा लिए और दूसरे हाथ में इलेक्ट्रिक लैंप। उसका चेहरा ऐसे दागों से भरा कटा फटा था कि कोई उसे दिन में भी देख कर डर जाए। उसे देख विक्रम के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि रेवती ने उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत कर दिया। मुझे पता है मैं बहुत डरावना दिखता हूँ, पर डरो नहीं, मैं इंसान ही हूँ। लेकिन अगर इस स्टेशन पर रात गुजारनी है
तो संभाल कर रहना। आसपास की जगहों पर रूहानी ताकतों का कब्जा है। मैं स्टेशन का ये कमरा खुला छोड़ कर जा रहा हूँ। ट्रेन आने तक यही इंतजार कर लेना। कहीं दूर मत जाना। मैं चलता हूँ। स्टेशन मास्टर की बातें सुन रेवती की भौहें सिकुड़ गई और इस सर्द हालात में भी विक्रम के सर से पसीने टपकने लगे। स्टेशन मास्टर के जाते ही विक्रम ने कहा, रेवती, ये रूहानी ताकतें क्या होती है? भूत, पिशाच, आत्मा। रेवती के इतना कहते ही एक एक कर स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गई और डर के मारे विक्रम की चीख निकल गई। रेवती, रेवती, ये लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं? वो रूहानी ताकतें कहीं यहाँ तो नहीं आ गई? बच्चों की तरह डरना बंद करो विक्रम, पहाड़ों पर बिजली आती जाती रहती है। यार रेवती, तुम हंसना मत, लेकिन मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। वो तो दिख रहा है, पर डरो मत, मेरे जैसी पिशाचनी के रहते कोई भूत नहीं आ सकता तुम्हारे पास। चलो फिर ठीक है, मेरे साथ तो पिशाचनी है। क्या तुम पिशाचनी हो? अरे बुद्धू, मजाक कर रही थी। भेड़ियों की अजीब सी चीखें सुनते ही विक्रम ने रेवती को कसकर जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर रेवती भी उसे अपनी आगोश में ले लेती है और समझाने लगी कि विक्रम डरो मत, ये तो बस जानवर की आवाज है। पर विक्रम डर से बेकाबू हो रहा था कि तभी रेवती ने उसके लबों को चूम लिया। रेवती के होठों के स्पर्श से विक्रम सुन्न हो गया था और उसकी आंखें बड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तो उसका डर और ऊपर से अचानक हुए चुंबन ने उसके होश उड़ा दिए। तभी रेवती ने उसके होठों को आजाद कर खुद को थोड़ा दूर कर लिया। विक्रम के दिल की धड़कन इस वक्त किसी ट्रेन की भांति तेज दौड़ने लगी थी। तभी रेवती उसे हाथों से पकड़ते हुए कमरे के भीतर ले गई और बेहद ही कामुक भरी नजरों से विक्रम को देखने लगी। अब भला मोमबत्ती भी कब तक आग से ना पिघलती। विक्रम ने भी अपनी कामुक नजरों में आंखें गड़ा उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भींच मदहोशी की सारी हदें पार करने लगा। अब उनके चारों तरफ उनकी ही गर्म सांसें और मदमस्त कर देने वाली आवाजें गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि तभी एक भयानक आवाज गूंजी कि उन दोनों के रंग में भंग हो गए और बदहवास ही दोनों आधे कपड़ों में हाथ में रूम की लाइट लेकर कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्हें चारों तरफ बस धुंध ही धुंध दिखाई देती है। रेवती विक्रम के हाथों को पकड़ आगे बढ़ने लगती है। अब आवाजें सिर्फ भेड़िए की ही नहीं बल्कि किसी इंसान के चीखने की भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी का मांस नोच कर खा रहा हो और वो इंसान दर्द से चीख रहा हो। चीख भी इतनी जोरदार थी कि जंगल से भरी पहाड़ियों में गूंज रही थी और ये सभी आवाजें स्टेशन के बाहर से आ रही थी। रेवती ने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम मेरे हाथ को कस के पकड़े रहना। ये क्या हो रहा है रेवती, कौन चीख रहा है ऐसे? पता नहीं मुझे। सहमे कदमों के साथ दोनों स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि इलाका इतना वीरान हो गया कि जैसे यहाँ किसी का आना जाना ही ना हो। विक्रम अब सिर्फ डर ही नहीं रहा था बल्कि उसे फिक्र भी हो रही थी। वो रेवती से कुछ कहने वाला ही था कि तभी धुंध भरे अंधेरे में से कोई उन दोनों के बीच से चीखता हुआ निकल गया जिससे विक्रम का हाथ रेवती के हाथ से छूट गया। विक्रम का हाथ छूटते ही रेवती पागलों की तरह अपने आसपास देखने लगी पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत की धुंध पसरी हुई थी। तभी रेवती को उस धीमी रोशनी में कुछ दिखाई दिया, स्टेशन मास्टर की टोपी, जिसे देखते ही उसने उसे उठा लिया और सूंघने लगी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और आंखें लाल होकर दहक उठी। विक्रम, विक्रम मेरे प्यार, में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। आखिर कौन है रेवती, दिव्य शक्तियों से भरी इंसान या कोई पिशाची? विक्रम को आखिर कौन उठा ले गया? कहीं स्टेशन मास्टर तो नहीं?
या फिर खुद भी उसकी जान खतरे में है? जान जाएंगे आप सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड के भी और पिछले एपिसोड के भी। बस जानने के लिए देखते रहिए डोडो टीवी की एक्सक्लूसिव सीरीज असुर एक ब्रह्म राक्षस, जिसके लेखक हैं पंचम प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।